दोस्तों ये था मेरा स्कूल, जिंदल आदर्श विद्यालय एंड जिंदल प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज। तो यहाँ पे मैं पढ़ा था। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो यहाँ पे एक और स्कूल है उसके आगे, वो भी सेम ही है एंड ये भी सेम है, देख सकते हैं आप। तो दिखा देते हैं, चलते हैं बेंगलोर के लिए, निकलते हैं। अनुराग भी उठ गए। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग अभी निकल चुके हैं घर से बेंगलोर के लिए एंड होप करते हैं आपको ये जो हमारा छोटा सा टूर था हम्पी का, आपको पसंद आया होगा। एंड ऐसे ही जल्दी जल्दी हम आपको नई नई प्लेसेस एक्सप्लोर करके बताते रहेंगे। चलो अभी वापसी का रास्ता भी आपको दिखाएंगे थोड़ी सी झलक। एंड हेमंत जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? बस अभी यहाँ से 6 घंटे दिखा रहा है, 6 घंटे हमने ट्रैवल करना है। कुछ अच्छी जगह अगर दिख गई तो आपको दिखाएंगे, अदरवाइज सीधा बैंगलोर में मिलेंगे। ठीक है जी, मिलते हैं। चलो चलो, सी यू सी यू। देखो फ्रेंड्स, पापा के ऊपर राइम सुन रहे हैं अनुराग, तो ये बड़े झूम रहे हैं। तो ये नारियल पानी लेके जा रहे हैं हम चांदी जी के लिए। लो चांदी जी। पॉइंट पे रुके हैं तो मैं चल के वहाँ जाना है ऊपर चोटी पे, वहाँ से आपको दिखाएंगे ब्यूटीफुल संदूर। ये देखिए कुछ ऐसे ही नज़ारे, ऊपर से तो और बढ़िया दिखने वाला है। ध्यान से चढ़ो, इसको चला लो ना। आज नहीं मान रहा, वैसे आप पे आप चलता है। तो अभी हम ऊपर कुछ इतना पहुंचे, इतना ये देखिए नजारे। हाँ हाँ, ऊपर पूरे बादल बादल। आपको दिखाने से हम चुकेंगे नहीं, हम आपको भी एक्सप्लोर कराएंगे। यस, इसका हाथ पकड़ लो, थोड़ा ना पहाड़ है ना ये, तो थोड़ा सा डर लगता है। चलो गाइस दिखाते हैं आपको। ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। ध्यान से, ओह माय गॉड, ये देखिए कितनी ऊंचाई पे आ गए हम लोग। वाह, वो जो हम पहाड़ पीछे छोड़ के आए थे वो भी नजर आ रहे होंगे आपको। तो हम पहुंच गए फाइनली।
क्रॉसिंग पहाड़ों के बीचों बीच। ये वहाँ से आ रहा है, हवा आ रही होगी आपको, शायद मेरी आवाज़ भी ना आ रही हो, क्या बात है, मज़ा आ गया। यहाँ देखिए पूरे बादल पहाड़ों के पास आ गए हैं। क्या नज़ारा था, मज़ा आया होगा आपको भी देखकर, है ना। काफ़ी ठंडा है, ऊपर है एक्चुअली हम लोग, वो देखिए पीछे पानी, जो हमने आपको मेन रिवर दिखाई थी तो यहीं से जा रहा है वो पानी। एंड द व्यू इज़ लवली, देखिए यहाँ से पूरा तुरंगलू, या तुरंगलू तो नहीं, संडूर का जो सिटी है वो उधर दिख रहा होगा, बट अभी बादल ज़्यादा है तो वो ढक गया। चलिए नीचे चलते हैं, अनुराग विजिट कर रहा है, बोलते हैं नीचे गांधी जी का स्टैचू है वो देखना है। हाय, कितना सही व्यू है, उतरने में इतनी मेहनत नहीं लगती, चढ़ने में बहुत लगती है यार, सांस फूल गई। स्पेशली हम जो सिटी में रहते हैं लोग, उनको तो अब आदत ही नहीं है स्टेयर्स चढ़ने की, और यहाँ दो दिन से हम लोग चले जा रहे हैं, स्टेयर्स चढ़ रहे हैं तो हमें पता लग रहा है वैसे। तो चलते हैं अब नीचे। जी तो पहुँच गए, हेमंत जी की मस्त एक्सरसाइज हो रही है बच्चे के साथ। ये रहे वो गांधी जी स्टैचू। ओके, सी यू, बाय बाय।